भाजपा नेता पर हमला। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम सोनी पर हमला हुआ। राजपुर में त्रिवेणी मंदिर के समीप शिव मंदिर में हमला हुआ। तलवार, देशी कट्टे और हाकी से जानलेवा हमले करने का ओम सोनी ने आरोप लगाया। घर पहुंचकर भी हमला करने की घटना को अंजाम दिया। घटना को सीसीटीवी में कैद किया गया। 8 लोगों के खिलाफ राजपुर थाने में मामला दर्ज हुआ। दूसरे पक्ष ने भी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजपुर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजपुर से महेंद्र करील की रिपोर्ट। आज राजपुर नगर में मैं भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक कर रहा था और अभिषेक करके जैसे ही बाहर आया, 8 लोगों ने 2 कार में आकर मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। मेरे घर पर जाकर, घर के अंदर घुसकर मेरे बेटे और मेरी पत्नी के साथ मारपीट करी। उसी संदर्भ में हम एसपी साहब से मिलने आए थे। राजपुर थाने में हमने एफआईआर कराई है और संबंधित जो हमलावर हैं वो झूठी सच्ची शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ आए। कौन हमला क्या था? पूर्व में किसी प्रकार का हमारा कोई विवाद नहीं है और हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा सब पारिवारिक संबंध है। ये हमलावरों से आप सब लोग पूछना कि उनके किनके कहने पर, किनकी शह पर मेरे ऊपर हमला किया है। ओम सोनी, भाजपा जिला पूर्व अध्यक्ष, जिला कहाँ की घटना? ये बड़वानी रोड पटेल भवन के सामने त्रिवेणी मंदिर के आगे। कब की घटना? यहाँ सुबह 8:30। आप किसी पद पे हो क्या? बजरंग दल का जिला संयोजक है और राजनीतिक द्वेष के कारण मेरे पे ये हमले करते ही आ रहा है। पहले एक बार मेरे घर पर हमला करा, मेरे माँ बाप को मारा, चाचा को मारा, मेरे भैयों को मारा, मेरे दोस्तों को मारा। इनने इनके इसके कहने पे सबने ये काम करा था। ये राजपुर शहर के कस्बे में त्रिवेणी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। इसमें राजपुर निवासी राजपुर ओम सोनी जो पदाधिकारी भी है यहाँ पे, उसका और जो राजपुर कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है अपने भूपेन ठाकुर, इन दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है और इनका पहले भी दीपावली के आसपास झगड़ा हो चुका है, विवाद हो चुका है। उसी पुरानी बात को लेकर आज लड़ाई हुई है, जिसका जिन दोनों पक्षों का मेडिकल करा दिया गया है और उनके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी जा रही है।